राहुल की न्याय यात्रा की समापन रैली में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के विपक्षी नेता शामिल हुए। सभी सियासी धुरंधरों ने एक सुर में बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला। पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को घेर रहे थे, तो यहां से करीब 900 किलोमीटर दूर विपक्ष के नेताओं ने भी बीजेपी और मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद की। मोदी को तीसरे टर्म से रोकने के लिए कांग्रेस ने मुंबई में महारैली की और बीजेपी को घेरने के लिए मैदान चुना मुंबई का शिवाजी पार्क। कांग्रेस की ये रैली तो थी राहुल की न्याय यात्रा के समापन समारोह की, लेकिन मकसद था इस बहाने इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करना। इस मेगा रैली में गठबंधन के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। विपक्ष के इन सभी नेताओं ने 24 की जंग में एकजुटता का संदेश दिया और एक सुर में पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। 6600 किलोमीटर चली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और यात्रा खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों ने मोदी को रोकने के लिए हुंकार भरी। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी कमान संभाले हुए हैं, तो न्याय यात्रा के जरिए राहुल ने विपक्ष की आवाज बनने की कोशिश की, लेकिन मोदी के मुकाबले राहुल अभी काफी पीछे हैं। 24 के रण के लिए दोनों नेताओं के बीच टक्कर 501 और 358 पर चल रही है। प्रधानमंत्री 17 राज्यों की 501 सीटों को कवर कर चुके हैं, तो वहीं राहुल अपनी यात्रा के जरिए अभी तक 15 राज्यों की 358 सीटों तक ही पहुंच सके हैं। इनमें 5 राज्यों की 228 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया के बीच आमने सामने की टक्कर है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी वार पलटवार का दौर और तेज हो चला है। फिलहाल चुनावी मैदान में पटखनी देने की कोशिशें और भी तेज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में विपक्ष की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर सवाल उठाए, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला और तेजस्वी यादव ने मोदी के साथ नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। उस वोट का आपको बचाना है, ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा, जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बात की, लेकिन नीतीश और तेजस्वी दोनों ही जिस गठबंधन में हैं, उनमें अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे पर इंडिया और एनडीए गठबंधन फैसला नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों 88 सीटें जो महाराष्ट्र और बिहार से हैं, उन पर एनडीए और इंडिया की सुई फंसी है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार और महाराष्ट्र की 88 सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में ही पेच फंसा है। दोनों गठबंधन के लिए अपने सहयोगियों को मना कर पाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार की 40 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में कैसे तकरार मची है। वहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी
बड़े भाई की भूमिका में, जिसने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि उसके मुताबिक राज्य में 28 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें देने की तैयारी है। वहीं वामपंथी दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और लेफ्ट को रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे का ऐलान अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान है, तो कम सीटें दिए जाने से लेफ्ट भी नाराज है। देखिए, बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, और कौन उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से होंगे, इसके नामों की घोषणा और सीट शेयरिंग की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और एनडीए से पहले कर दी जाएगी। हमारे यहाँ सब चीज़ तय है, अब कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर फंसे पेंच के बीच प्रेस रिलीज ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है। इसमें सीपीआईएमएल ने तालमेल में देरी पर चिंता जताई है। प्रेस रिलीज में सीपीआईएमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान भी कर दिया है, साथ ही आरजेडी से जल्दी सूची जारी करने की अपील भी की है। बताया जा रहा है कि सीटों पर जारी घमासान को सुलझाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक होने वाली है। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में क्लीन स्वीप का दावा कर रही एनडीए के लिए भी टेंशन कम नहीं है। कई दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं। अभी तक जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 4, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट दी जाएगी, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट की पेशकश की गई। Zee News.